पूछूं। एक बार दो बिल्ली थी, वो बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्हें वो बहुत भूखी थी, उन्हें एक रोटी मिली। वो रोटी के लिए झगड़ रही थी। पहली बोली, ये रोटी मेरी है। दूसरी बोली, ये रोटी मेरी है। तो एक पेड़ पे बंदर देख रहा था। उन्हें ऊंची छलांग मार के बोली, तुम क्यों झगड़ रही हो, अभी मैं तुम्हारा फैसला करता। तो उसने रोटी के टू टुकड़े बनाए। वो उन्हें लगा ये रोटी बड़ी है, तो उसको टुकड़े से खा गया। और दूसरी उसको बड़ी लगी, तो उसको भी खाया। ऐसे ऐसे करते करते वो सारे को खा गया, और बिल्ली उनके मुंह को देखती रह गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। थैंक यू। नमस्कार, मैं लक्ष्मी प्रधान, एक आदमी और शेर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक शेर, वो शेर पहले, वो तीनों पहले जंगल में घूम रहा था। घूमते घूम एक दिन वो घूम रहा था, तो उसका बैल कत्ते में लग गया। फिर वो तो से दहाड़ने लगा। फिर एक आदमी ने उसको उस आदमी ने सुना, उसको आज सुनते सुनते उसके पास आ गया। फिर उसने देखा, उसने देखा कि ये तो सेल है। उसने मदद करने की सोची, तो उसने जा गया, उसने निकाल दिया कत्ता। फिर वो सेल शुक्रिया के तौर पर चलाने लगा उसको, और बिना नुकसान पूछे वहां से चला गया। एक दिन उस जंगल में थोड़े से काली आए। फिर ने जानवरों को पकड़ लिया कुश्ती देखने के लिए। फिर उस सेल को ने उनको पिंजले उस सेल को पिंजले में बंद कर दिया। और देख सुन रहे थे वो कितना अच्छा खेल सकते किसी आदमी से। फिले ना वो ताकतवर से लाके बदा, और उस आदमी को वो मारने के लिए आके बदा वो ताकतवर से। और उसने देखा ये तो वही आदमी है जिसने मेरी मदद करी थी। फिर उसने तो है उस सेल ने उसको प्यास चटा। उस आदमी में भी उसको प्यास से तहलाया। फिर उनसे कालियों को देख के दुख हुआ, तो उन दोनों को उनने उस उन कालियों ने बाल निकाल दिया। मेरा नाम तनीष है। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कहानी। एक कौवा प्यासा था, वे पानी की तलाश में था। वे इधर उधर भटक रहा था। पास में ही उसे एक घड़ा दिखा। घड़े में पानी कम था। कौवे ने देखा कंकर, घड़े के पास कंकर गिरे हुए हैं। फिर कंकर उठाए, एक एक करके डाला, फिर पी के फिर उठ गया। फिर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी कभी करने वालों